नमस्कार, देवांगन फूड में आपका स्वागत है। आज हम चिकन बिरयानी बनाएंगे। चिकन को अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी कटी हुई प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम अब चिकन में मसाला मिक्स करेंगे। इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे करीब 3 चम्मच। इसके बाद हम हरी मिर्च की चटनी डालेंगे करीब 2 चम्मच। चिकन हम यहाँ पे करीब 1.5 किलो के करीब लिए हैं। थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे करीब 2 चम्मच और 1 नींबू का रस डालेंगे। इसके बाद हम 1-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। दही करीब 4 चम्मच डालेंगे। अब सभी मसालों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को 1 घंटा के लिए ढक कर रख देंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से चिकन में मिल जाए। बिरयानी चावल पकाने के लिए पानी में पहले नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। उसके बाद 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें तेज़पत्ती, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और चक्रफूल है। सभी मसालों को ऐड कर देंगे। हम यह बिरयानी करीब 10 लोगों के लिए बना रहे हैं। चावल को हमने धो कर करीब 1 घंटे के लिए रख दिए थे। हमारी चावल पक गई है। अब हम इसे छान कर पानी को बाहर निकाल देंगे। चिकन को पकाने के लिए एक कढ़ाई में करीब 100 ग्राम तेल डाल देंगे और उसमें चिकन को डालकर धीमी आंच में पकाएंगे। एक घंटा धीमी आंच में पकाने के बाद हमारी चिकन पककर तैयार हो गई है। अब हम चावल और चिकन की लेयर बनाएंगे, जिसके लिए एक बर्तन में हमने पहले थोड़ी सी घी डाल दी है। उसके बाद चावल को डालेंगे। फूड कलर डालेंगे थोड़ी सी।
हरी धनिया पत्ती डालेंगे और फ्राई की हुई प्याज को डालेंगे। फिर चिकन को डालेंगे। देखिए, हम अब चावल और चिकन की अच्छे से लेयर बना लिए हैं। अब इसे थोड़ी सी भाप दिलाएंगे, जिसके लिए गैस में पहले तवा को रखेंगे, फिर उसके ऊपर कुकर को रखेंगे। डायरेक्ट गैस नहीं जलाएंगे। कुकर को धीमी आंच पर सिर्फ 5 मिनट के लिए गैस पे रखना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।